गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं धर्म। धर्म में हम पार्वती पुत्र गणेश की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको उनके कई रूपों के बारे में बताया है, उनकी पौराणिक कथाएं बताई हैं, लेकिन आज हम आपको गणेश जी के सबसे मंगलकारी रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। गणेश जी का सबसे मंगलकारी रूप है सिद्धि विनायक स्वरूप। कहा जाता है कि इस रूप को पूजने से मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती है, सारे कष्ट गणपति खत्म कर देते हैं और अपने भक्त को सुख का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए हम आपको प्रभु सिद्धि विनायक के बारे में बताते हैं। श्री गणेश की हर मूरत मंगलकारी है। गजानन का हर अक्ष शुभकारी है। लंबोदर के आशीर्वाद से मिलती है बुद्धि। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मौर्या। गणपति के आशीष से आती हैं रिद्धि और सिद्धि। देवों में जिनकी पूजा सबसे पहले होती है वो हैं श्री गणेश। वो देव जिनका नाम लेकर शुरू किया गया हर कार्य बाधा रहित पूरा होता है वो हैं श्री गणेश। और बाप्पा का एक रूप ऐसा है जो उनके सभी रूपों में से सबसे ज्यादा शुभकारी और मंगल दाता है। बाप्पा का वो रूप है सिद्धि विनायक। चलिए आज हम आपको बाप्पा के उस रूप की महिमा के बारे में बताते हैं और क्यों गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप को सबसे ज्यादा मंगलकारी माना जाता है, ये आपको बताते हैं। गणेश जी के मुख्य रूप से 8 स्वरूप माने जाते हैं। इन स्वरूपों में जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद रहता है। अष्ट विनायक स्वरूप में सिद्धि विनायक सबसे ज्यादा मंगलकारी माने जाते हैं। सिद्धटेक नामक पर्वत पर ये प्रकट हुए थे, इसलिए इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इनकी सूंड सिद्धि की ओर है, इसलिए ये सिद्धि विनायक है। सिर्फ सिद्धि विनायक की उपासना से हर संकट और बाधा को नष्ट किया जा सकता है। कथाएं बहुत सी हैं, मान्यताएं बहुत सी हैं, लेकिन सिद्धि विनायक की महिमा का बखान शब्दों में करना मुमकिन ही नहीं है। चलिए आपको उनकी एक पौराणिक कथा और उनके स्वरूप के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले सिद्धटेक पर्वत पर विष्णु भगवान ने इनकी उपासना की थी। इनकी उपासना के बाद ही ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना बिना बाधा के कर पाए। सिद्धि विनायक का स्वरूप चतुर्भुजी है। इनके ऊपर के हाथों में कमल और अंकुश है, नीचे के एक हाथ में मोतियों की माला और एक हाथ में मोदक का कटोरा है। इनके साथ इनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी हैं। मस्तक पर त्रिनेत्र और गले में सर्प का हार है। ज्योतिषी तो यहां तक कहते हैं कि सिद्धि विनायक के चमत्कारी स्वरूप के दर्शन मात्र से ही आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और उनकी भक्ति करके संसार के सारे सुख हासिल कर लेते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि सिद्धि विनायक की पूजा उपासना से उनका कोई भी भक्त क्या क्या लाभ पाता है। सिद्धि विनायक की उपासना से कार्यों में आने वाला हर विघ्न समाप्त हो जाता है। किसी भी कार्य के आरंभ में इनकी पूजा और स्मरण लाभकारी होता है। इनकी उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से कर्ज से मुक्ति मिलती है और लाभ बढ़ जाता है। सिद्धि विनायक की नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख संपन्नता
बनी रहती है। सिद्धि विनायक का रूप ही ऐसा है कि उनको देखने भर से उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाती है और उनकी मूरत देखकर ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उनकी शक्तियों का तेज आपको चारों ओर बुरी शक्तियों से बचा रहा हो। सिद्धि विनायक अपने भक्तों को हर विघ्न बाधा से दूर करते हैं। हम आपको उनको खुश करने के लिए कुछ विशेष पूजा विधि भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। गणपति का सिद्धि विनायक स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी है। सिद्धि विनायक की साधना से हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिद्धि विनायक की वो पूजा विधि कौन सी है जिससे वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं? सोचिए मत, हम आपको वो विधि बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए अपना राशिफल। मेष, जीवन में बड़ा बदलाव होगा। मुकदमों में बड़ी परेशानी का योग है। गुस्सा बढ़ सकता है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 54। वृष, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ मिलेगा। दौड़ भाग करनी होगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 82। मिथुन, रुका हुआ पैसा मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 90। कर, नई नौकरी का योग है। शिक्षा में सुधार होगा। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 79। सिंह, परिवार में विवाद से बचें। ऑफिस में तनाव होगा। शाम को पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 69। कन्या, सेहत ठीक रहेगी। मनोरंजक कार्यक्रम का योग है। धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 75। तुला, विवाह तय होने का योग है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 69। वृश्चिक, गुस्से पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। पैसे के नुकसान से बचें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 50। धन, यात्रा पर जाने का योग है। अचानक पैसों का लाभ होगा। वाहन का सुख मिलेगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 81। मकर, वैवाहिक संबंधों में बाधा आएगी। रुका हुआ पैसा मिलेगा। फिलहाल यात्रा टाल दें। शुभ रंग सुनहरा।
भाग्य प्रतिशत 63। कुंभ, पैसे मिलने का योग है, संतान से सुख मिलेगा, लिखा पढ़ी में सावधानी बरतें, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 69। मीन, गुस्से पर नियंत्रण रखें, स्थान परिवर्तन का योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 75। गणपति महोत्सव जारी है और धर्म में हम आपको गणपति के अलग अलग रूपों की महिमा के बारे में बता रहे हैं। आज हम उनके सिद्धि विनायक रूप की महिमा के बारे में आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको भगवान सिद्धि विनायक की कृपा पाने की वो खास पूजा विधि के बारे में बताते हैं। गणपति बाप्पा को तेज बुद्धि और पराक्रम के लिए जाना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि इनका नाम लेकर शुरू किया गया कोई भी काम कभी अधूरा नहीं रहता। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे की जाती है सिद्धि विनायक की खास उपासना, जिससे वो अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान सिद्धि विनायक की स्थापना गणेश महोत्सव या चतुर्थी तिथि को करें, बुधवार को भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। हर सुबह उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें और आरती भी करें। जहां भी सिद्धि विनायक की स्थापना करें वहां दोनों वेला घी का दीपक जलाते रहें। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम नमो सिद्धि विनायक सर्व कार्य कत्रय सर्व विघ्न प्रशामणय सर्व राज्य वश्य कारण्य सर्व ज्ञान सर्व स्त्री पुरुषा कारशण्य। ज्योतिषी कहते हैं कि सिद्धि विनायक की पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है।